दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है और चेन्नई की पिच पर ही हुआ था मुकाबला, लेकिन डिफेंड कर कर नहीं हराया है, चेज कर कर। आज हम बात करते हैं इस मुकाबले के रिव्यू की। मैच नंबर 13 मुंबई और दिल्ली के बीच में टॉस जीता मुंबई ने, करा पहले बल्लेबाजी का फैसला। शुरुआत से ही रोहित शर्मा अलग अंदाज में खेल रहे थे, मतलब पेविलियन से ही क्या सोच कर आते हैं रोहित शर्मा। 50 में जरूर करी, मिस करी उन्होंने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बढ़िया फॉर्म में थे, लेकिन फिर उसके बाद ना मैच पता है कहाँ पर टर्न हुआ, और लग रहा था लंबा स्कोर जाएगा, फिर रोहित की विकेट आई। जब रोहित की विकेट आई फिर उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब ना मतलब विकेटें गिरती गई। हार्दिक पंड्या की विकेट, कारण पोलार्ड की विकेट, कृणाल पंड्या की विकेट, मतलब विकेटें तो बस भाई बस गिरती गई। और स्कोर जब ज़्यादा जाना चाहिए था वो रुक गए मात्र और मात्र 137 तक। लेकिन अमित मिश्रा अलग अंदाज में यार, ओल्ड स्टिल गोल, 4 विकेट इन्होंने चटकाई हैं, 4 ओवर्स का पूरा स्पेल डाला है, इकोनॉमी बढ़िया रही है, तो जबरदस्त है यार ये प्लेयर। इन्होंने अगर दिल्ली ने रोका है ना तो अमित मिश्रा की हेल्प से ही रोका है मुंबई इंडियंस को, तो वेल डन। बात करें चेस की, चेस के अंदर शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, उन्होंने ऐसे लगने ही नहीं दिया कि 137 भी यहाँ पर कभी डिफेंड हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करी। मतलब शिखर धवन ने ऑलमोस्ट वन साइडेड बना दिया था, और लगता रहा था मतलब वन साइडेड है, जीतने का कुछ चांस ही नहीं है, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही थी। फिर आई शिखर धवन की विकेट, ना ही शिखर धवन की विकेट, फिर पंत की विकेट, मुकाबला गया अंतिम ओवर तक। लेकिन जब अंतिम ओवर आया, मतलब क्या आया, मतलब अगर लक्ष्य आपका बड़ा होता, अगर बनते 150 या 160 तो आप रोक सकते थे दिल्ली को, लेकिन एक तो पहली बात विकेटें आपकी लेट आनी शुरू हुई, शिखर की विकेट लेट आई, और दूसरी बात लक्ष्य भी आपका बड़ा नहीं था, तो इसलिए आप मुकाबले को वहीं पर हार गए। अंत तक हेटमायर टिके रहे, हेटमायर ने करी फिनिश, मुकाबला जीत लिया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। और वैसे मुंबई इंडियंस ने फाइट जरूर करी है, फाइट तो जरूर करी है, ये तो हमको मानना होगा, तो कोशिश बढ़िया थी, अंतिम ओवर तक गया भी मुकाबला, लेकिन अंत में दिल्ली की जीत हुई। और इस जीत का क्रेडिट ना दिल्ली को अपने गेंदबाजों को देना होगा, क्योंकि अमित मिश्रा ने जिस प्रकार से गेंदबाजी करी है एकदम अलग अंदाज में करी है, तो वेल डन अमित मिश्रा। अब जो बीत गया सो बीत गया, अब मुकाबला आप हारे जरूर हैं, दिल्ली कैपिटल्स बहुत बेहतरीन है इस समय पॉइंट टेबल पर, मुंबई इंडियंस एक हार आई जरूर है, लेकिन हमको पता आप वापसी जरूर करते हो। दोनों ही टीमें इस समय टॉप 4 के अंदर हैं, तो ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है आप दोनों टीमों के फैंस को। लेकिन बात करें अगर कल के मुकाबले की, आज के मुकाबले की, तो आज दो मुकाबले हैं, एक होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब के बीच में, एक होने वाला है चेन्नई कोलकाता के बीच में। कोलकाता वाले मुकाबले में मेरे को लगता है KKR बेन कटिंग को खिलाती हुए हमें दिख सकती है, क्योंकि ना मतलब इस समय जो है ना फिनिशिंग उतनी बढ़िया नहीं लग रही है मुझे, आंद्रे रसल की फॉर्म भी नहीं है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर जाएगा कि बेन कटिंग को खिलाने। सनराइजर्स हैदराबाद की वैसे तो सेम ही कहानी है, मिडल ऑर्डर उनका भी इतना बेहतरीन मेरे को तो नहीं लग रहा, मतलब मिडल ऑर्डर के अंदर कुछ चेंजेस करनी होगी, अगर केन विलियमसन उपलब्ध है तो फिर केन विलियमसन को भी खिलाना होगा, कुछ इसी प्रकार की चेंजेस रहने वाली है, तो ऐसा मुझे लगता है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मेरे ख्याल से परफेक्ट है, अगर सुरेश रैना को ये नंबर 3 पर खिलाएंगे वही हो सकता है, बाकी पूरी प्लेइंग 11 मेरे को तो इनकी 100% ठीक लगती है। अब प्रेडिक्शन की बात करें, पहले मुकाबले के अंदर मेरे ख्याल से पंजाब के जीतने के चांसेस हैं हैदराबाद से, और दूसरे मुकाबले के अंदर मेरे ख्याल से चेन्नई के चांसेस हैं थोड़े से जीतने के और KKR से। अब देखते हैं भाई मेरी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं होती, आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे कमेंट्स में बताना। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर करना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।